सौरभ, आप यहाँ पर खुद पहुंचे हैं जहाँ पर ये लीकेज मिला है, आखिर वजह क्या थी? आप लोग अलग अलग तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं कई। देखिए, वसंत कुंज के अंदर करीब 3-4 दिनों से पानी की भीषण किल्लत थी और मैं सब वसंत कुंज वासियों के साथ हूँ और मैं उनकी परेशानी के लिए माफ़ी भी चाहता हूँ कि इतनी बड़ी समस्या उनको 4-5 दिन तक सहनी पड़ी। करीब 40,000 से 50,000 लोग इससे प्रभावित थे। समस्या ये थी, बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, समस्या ये थी कि हमारे पास पानी बहुत है क्योंकि सर्दियों में पानी की दिक्कत नहीं है। हमारे पास रिजर्वायर में इतना पानी है, हम वहाँ से भेज रहे हैं, मगर ये जो रिजर्वायर है यहाँ के कॉलोनी के, यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा। और हमारे लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, हमने अपनी पहले मोटर्स वगैरह सारी बदली, स्लूस वॉल्स बदले, सारे जो मूविंग पार्ट्स है वो रिप्लेस किए। हमें लगा अगले दिन पानी आ जाएगा, नहीं आया। फिर हमें लगा कि शायद एयर पॉकेट्स बन रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी हाई राइज पॉइंट्स थे वहाँ पे हमने एयर वॉल्स लगाए, वाटर जब आया तो एयर को रिलीज़ किया, तब भी पानी नहीं पहुँचा। फिर हमने पूरी पाइपलाइन के ऊपर 400-500 मीटर पे हमने प्रेशर गॉजेज लगाए। आप सोचिए कि हर जगह JCB से खोदना, पाइपलाइन के अंदर प्रेशर गेज लगाना, इट्स अ टफ जॉब, मगर हमारे लोगों ने एक दिन के अंदर ये सारा का सारा काम किया और हमें पता चला कि यहाँ एक नाला गुजरता है और अगर आप उस नाले के अंदर से आ जाएं तो आपको पाइपलाइन का एक्सेस मिल जाता है। उस नाले से आके इस पाइपलाइन को तोड़ा गया है। अच्छा। और इस तरीके से तोड़ा गया है कि पानी जो निकलेगा वो सीधा नाले से दूर, ये देखिए ना, नाला पूरा अंडरग्राउंड है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना सारा साफ पानी बह के जो है वो आगे जो है नालों में जा रहा है।